गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और कोई काम नहीं किया है मैंने अभी। खाना वाना तो मैंने बच्चों को बनाया था, तभी मैंने अपना बना लिया है और मैंने खाया नहीं है क्योंकि कॉफ़ी पी आज मैंने। तो भाई मैं आज सिर में लगा रही हूँ मेहंदी, मेहंदी लगाने के बाद झाड़ू पोछा करूँगी और उसके बाद मैं करूँगी फिर सिलाई। देखते हैं कितनी देर में मेहंदी लगती है और फिर झाड़ू पोछा भी करना है। और सुबह सुबह मैं कॉफ़ी पीती पीती नाटक देख रही थी, आप लोगों को पता ही है दो नाटक बहुत फेवरेट है, चाहते और गुम हो किसी के प्यार में। ये दो नाटक तो देखने देखना होता है, कुछ देखो या ना देखो। तो बस ये नाटक एक देख चुकी हूँ, दूसरा देख रही हूँ और मेहंदी लगाऊंगी और देखती भी रहूँगी। तो लगा लेती हूँ मेहंदी भाई सबसे पहले और उसके बाद झाड़ू पोछा किया, पूरा कंप्लीट हो गया है झाड़ू पोछा। मैं सोची कुछ खा लेती हूँ, इसमें छीके चल रही है। बस प्रॉब्लम तो यही है, मैंने रख ली है मशीन सूट सिलने के लिए। और सबसे पहले मैं खाना खा लेती हूँ, बना रखा है। भूख बिल्कुल नहीं लग रही, कॉफ़ी पी थी आज चाय की बजाय, और दूध मेरा फट गया था एक बार, दोबारा बनाई। फिर देखो पता नहीं ये बाहर का दूध कैसा होता है, दूध के अंदर सीधी चीनी डाल देती तो फट जाता है, या अदरक डाल देती तो फट जाता है, पर ठीक है फट गया तो फट गया। और दूसरी बार थोड़ा सा नुआया दूध हो गया तब डाला जब नहीं फटा, पता नहीं कैसा दूध होता है यहाँ का। तो रोटी खा लेते हैं। थोड़ा डिजाइन का बनाया तो पूरा टाइम लग गया, सलवार का भी एक टांका लास्ट का बचा हुआ है। और आपको दिखा दूँ मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बहुत अच्छा है। चलती सी बारिश आई से हवा देखो दिख रहे ना, और ये इधर दिखाती हवा ये कितनी तेज़ी से हिल रहे हिल रहे, पत्ते वगैरह सब हिल रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि बारिश आएगी 100%, जैसे रात को हुआ था, रात को आई थी बारिश और इब भी आएगी। हवा चल रही है अच्छी वाली, देखो ये झंडे देखो, आपको मैं दिखाती हूँ जूम करके, आप देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। ओहो जी सा कर गया भाई, देखो पेट भी कैसे हिल रहे हैं, आनंद आ रहे हैं बाहर खड़े होने में। पर हमारे ना एक ही पूरा होता है हमारे साथ में ना, हमारे जीने में ना एक दिन छोड़ेगा ना एक दिन ना पोटी कर जाती है, डेली डेली का काम नहीं रहता है, कल नहीं किया आज कर। ओहो क्या करे, दिमाग खराब हो रहा है, कुछ कर भी नहीं सकते ऐसी बिल्ली, कभी दिन में कभी रात में, कोई इलाज हो तो बता दो, बिल्ली का कैसे इलाज करे। मुझे लगता है मिट्टी तेल उसकी स्मेल से ना खाए, कुछ तो करना पड़ेगा। चाहिए अम्मा कब तक वो साफ करेगी, पोटी उठाएगी, इतनी पतली पतली करके जाती है, बहुत है। इतनी धुआंधार बारिश आ रही है, वाह बढ़िया वाली बारिश आ गई भाई। अब ऐसा लग रहा है रोड ही गीले हो जाते हैं, गीले क्या भर गई मेरी बालकोनी, आज उल्टी बारिश चल रही है ना, सारी बालकोनी में पानी पानी हो गया। और ये मेरी चेयर भी देख गीली हो गई है, बढ़िया धूल जाएगी, थोड़ी सी मिट्टी में हो रही थी, देखो कितना पानी हो गया, पति दिख रहा है ना आसमान भी सब धुआं धुआं सा, ऐसा लग रहा है बारिश तगड़ी वाली हो रही है बिल्कुल। अरे ये पानी में तो और भी मजा आएंगे देख, क्योंकि आज मैंने बालकोनी धो रखी है और अब मिट्टी तो उठी ही नहीं थी, जो रात का गीला था जमीन तो इसलिए मिट्टी तो आई नहीं, साफ पानी है, बाद में खींच लूँगी मैं इस बालकोनी से, जाली जाली लगा के छोड़ देती हूँ क्योंकि ठंडी हवा आती रहेगी घर के अंदर। मैं बना रही हूँ आज पुलाव। पुलाव बनने का पहला तरीका है, पहले इनको मैं भून लेती हूँ, मूंगफली को भून लेती हूँ, उसके बाद फिर आलू फ्राई करूंगी, फ्राई करूंगी, एक आलू करूंगी फ्राई, फिर बाद में छोकला पनीर, एक पनीर डालूंगी, पनीर भी फ्राई करूंगी। पानी की आल तली।
कितना प्यारा लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें चावल तो डलेंगे नहीं, इसको उठा के चावल डालना पड़ेगा। ये छोटी कढ़ाई है, करूं इसमें थोड़ा चावल सफेद डाल के ना। सारा तेल ना ये चावल पी लेंगे, फिर इसमें डाल देंगे। अब इसको बुला लेंगे, जैसे देखते हैं ना टीवी में मोबाइल में से सब्जी बड़ी सारी डाल के इनको, ये हमारे पुलाव तैयार हो जाएंगे। अब क्या भर रहा है, मटर ये पनीर लगा लेते हैं, पनीर लगा देते हैं। पनीर लगाने जरूर बोले, टी शर्ट है मेहंदी का, घर नहीं पहनती ना मैं, मेहंदी यूज करती हूँ तभी पहनती हूँ। उसको खेच को छोड़ दिया। आधा घंटा बारिश आई है और यहाँ का माहौल देख लो, ये पानी यहाँ पे भरा है, देख कैसे बच्चे जा रहे हैं भीजते हुए। और अब भी धीरे धीरे बारिश आ रही है, इधर देखो यहाँ पे भी पानी भरा है और पार्क तो हमारा भर ही गया। देखो इतना पानी पानी हो गया, हवा भी तेज थी उसी हिसाब से हमारा ये भी खुल गया है। इसको बाद में करेंगे और मैं यहाँ का पानी खींच देती हूँ, ये काफ़ी देर तक जाएगा भी नहीं है। मज़ा आ गया, मौसम ऐसा हो रहा है आनंद वाला, बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है मौसम की तरफ से। तो सूट मैंने कल सिम दिया था, एक आज सिम है। कल वाले में ना बहुत जल्दी सिल गया था, 2 घंटे के अंदर सिल गया था मेरा। और आज मैं इतनी परेशानी हो गई, पता नहीं क्यों मेरी मशीन को चिढ़ है उस सिल्की कपड़ों से। थोड़ा सा सॉफ्ट और सिल्की वाले कपड़े होते हैं ना, उससे ना धागे इतना तोड़ती है, इतना तोड़ती है, पता नहीं कोई गिट्टी में दिक्कत है। मैं इधर सदर मार्केट से गिट्टी लेके आती हूँ, मेरी एक भी गिट्टी नहीं चलती, मेरे धागे टूटते हैं, हैं और वे पतले पतले रेशमी रेशमी से धागे रहते हैं, पता नहीं क्यों। और जो मैं अपनी पटौदी से लेके आती हूँ ना, उसमें ना कॉटनपन होता है धागे के अंदर, थोड़ा मोटा भी धागा होता है, वो एक नंबर चलता है। मैं पूरे सूट में मैचिंग के चक्कर में लेके आई थी गिट्टी, घर पे थी गिट्टी, पर वो थोड़ा सा कलर में फर्क था, तो मैं सोची भाई मार्केट जा लेके आ जाती हूँ, तो कल लेके भी आई। फिर उसको सिल, कल सिलवार सिल सिल के मैं दुखी होगी, पूरे दिन लग गया सिलवार में, बार बार टाँके खो तोड़ रही है बार बार में, क्या बताऊँ। एक ब्लांद नहीं चलती, उससे पहले टाँका टूट रहा था। अब सोचो मैं सूट को कैसे सिला, मेरी हिम्मत इतनी थी, बस कति टूट चुकी थी, ऐसा मन करा था या तो मशीन ने फेंक के मार दे या फिर सूट को फेंक के मार दे, इसी हालत हो गई थी। मैं इतनी परेशान हो गई थी आज, तो फिर भी मैंने कैसे ने कैसे सीलना तो था ही, मैंने सील तो दिया। लास्ट में दिमाग लगाया, अरे धागा चेंज करके देखती हूँ, जो मेरे पास धागा ना वो डाल लेती हूँ। तो नीचे वाला धागा तो सेम रखा हुआ ही, मार्केट वाला ही, ऊपर का मैंने धागा चेंज कर लिया। आसानी से बाजू लग गई, आसानी से, एक पर भी धागा नहीं टूटा बाजू में बिल्कुल भी। अनु कर रही थी, अरे ये बाजू में पूरा टाइम लगेगा अभी सिलने में, सूट में इतना टाइम लगा है तो बाजू में टाइम लग, क्यों छोटी छोटी जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर में, थोड़ी थोड़ी दूर में धागा तोड़ रही है बहुत। मेरे तो धागे धागे लटक गए सूट में मेरे, बस बहुत हालत ख़राब कर दिया आज मेरे सूट ने। पूरे दिन में एक सूट एक सलवार सिला, पूरा दिन सुबह से लग रही हूँ, बीच में काम भी कर रही हूँ, अपने बच्चों को भी देख रही हूँ, और बार बार मैं सिलाई पे बैठ रही हूँ। कमर ने जो वहाँ दे दिया बिल्कुल, बैठी 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 मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, पर ठीक से आखिरकार मेरा सिल गया है और मैं फ्री हो गई हूँ। तो अब उन ब्लॉग एडिट कर लिया, मैं कर रही हूँ सोने की तैयारी, बच्चे भी सो चुके हैं। तो गुड नाइट गाइज, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर लेना, और शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर लेना। राधे राधे, गुड नाइट।